ट्रोलर्स हैं, हेटर्स हैं, स्पेशली अगर आप वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ऐसे लोगों को शर्लिन चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, ऐसे लोगों को शर्लिन जी कतार में रखना चाहती हैं। शर्लिन जी स्वागत है आपका। जो ट्रोलर्स हैं, हेटर्स हैं, हमने सुना है कि ऐसे लोगों को आपने एक वीडियो बनाया है। मैं मुक्का बना रही हूँ। मुक्का बना रही हूँ। कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो वुमेन की स्पेशली रिस्पेक्ट नहीं करते, ट्रोल करते हैं, जिनके लिए आपने वो कतार में वीडियो आपने बनाया है, उनके लिए मैंने कतार बनाया है। अगर उन्हें मेरा जवाब समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे रूबरू हो सकते हैं एंड देख सकते हैं कि इस मुट्ठी में कितनी ताकत है। जो लोग अपने बहनों की इज्जत नहीं कर सकते एंड अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकते, अपने बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, वो हमारी क्या इज्जत करेंगे। लेकिन ये सोचकर हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो ठीक है, ये तो ऐसा ही है, ये गॉन केस है, ये तो होपलेस है, चलो जाने दो, छोड़ दो। नहीं, आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को इवॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आप बाबा आदम के ज़माने का माइंडसेट यहाँ नहीं ला सकते, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। और आप इस समाज में गंध नहीं फैला सकते, आपका कोई हक नहीं बनता। अगर आप एंटी सोशल एलिमेंट बनेंगे तो आपको, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सख्ती से पेश मतलब सख्ती से आपको ट्रीट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये ना समझें कि क्योंकि आप फेसलेस हैं, नेमलेस हैं, इंटरनेट पर अनोनिमस होकर आप गंदे, बेहुदे, घटिया कमेंट्स अपलोड करेंगे तो कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं होने वाला। आप ये बिल्कुल मत सोचें। साइबर क्राइम है एंड साइबर क्राइम सख्ती से पेश आती है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द न्यू लॉज that have been made for the protection and safety of women. हम सुबह शाम महिला शक्ति, महिला प्रगति के नारे लगाते हैं और ट्रोल्स जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे एफर्ट्स को डिफ्यूज करते हैं। तो अब हमें सतर्क होकर जानना चाहिए कि ये कौन हैं, ये इस समाज में घूम रहे हैं शराफत का नकाब पहनकर, कौन हैं ये लोग? क्या ये लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं? क्या ये लोग हमारे दोस्त हैं? क्या हम इनके संपर्क में आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? अगर आते हैं तो हमें इन्हें एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ, इस तरह का गंद वो नहीं फैला सकते इस समाज में। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ सोच रखना सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए स्वच्छ भारत के कैंपेन के प्रति। जी, वीडियो भी आ चुका है, कतार में है, डेफिनेटली आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो शर्लिन जी, हमने देखा कि 6 मिलियन व्यू लोगों ने वीडियो पर आए हैं, लोगों ने पसंद किए। जी, बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, वीडियो का एक्सपीरियंस कतार जी में? बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि कतार को हफ्ते भर में 6 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। सबसे पहले मैं कतार के फैंस, कतार के सपोर्टर्स एंड वेल विशर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच जो आपने प्यार और सपोर्ट दिया है। जिन लोगों को ये रैप बहुत अच्छा लगा है, आई एम श्योर कि वो समझ चुके होंगे कि इस रैप के पीछे जो मोटिव है, जो मकसद है, वो क्या है। वो मकसद ये है कि हम उन तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं जो लोग बुलिंग करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, जो महिला को जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जो महिला की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते हैं ऑनलाइन आकर अपने गंदे, भद्दे, अश्लील कमेंट्स के ज़रिए। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। और मैं चाहूँगी कि ये जो
हमने स्टेप लिया है, ये अनडाउटेडली हमारा पहला स्टेप है, लेकिन आखिरी स्टेप नहीं होगा। ये जो मूवमेंट हमने क्रिएट किया है, ये बस चलता रहे, इस मूवमेंट को गति मिले एंड बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। आई थिंक आवाज़ उठानी भी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करती हैं आप सोशल मीडिया पर जब भी कोई वुमेन के बारे में बात करता है। जी, तो ऐसे लोगों को कुछ जो जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन ऐसे लोगों को जो आप कमेंट्स करती हैं, जो आपको जो कमेंट्स आते हैं वो कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ट्रोल्स होते कौन हैं। क्या वो बिलियनर्स होते हैं, करोड़पति होते हैं, लखपति होते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बेरोज़गार होते हैं, जॉबलेस, उनके पास कोई काम नहीं होता, शायद डिग्रीज होते होंगे लेकिन काम नहीं होता है, बैंक बैलेंस एकदम शून्य, अंडा। एंड ऐसे में इंसान करे तो क्या करे, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और उन्हें लगता है कि फ्रस्ट्रेशन निकालने का सबसे सही और आसान तरीका ये होता है, ऑनलाइन आकर महिलाओं को जलील करना, स्लट शेमिंग करना, बॉडी शेमिंग करना एंड मॉरल पुलिसिंग करना, जजमेंटल होना। तो उनके लिए मेरे पास एक सजेशन है, आ मेरे ऑफिस पे जॉब कर, लाइफ में तू आगे बढ़। या मैं ये वादा करती हूँ कि हर महीने टाइम पर आपको पगार मिलेगा। जी जी, एंड हमने देखा है कि शर्लिन जी सामने आती हैं और इस मुद्दे पर बात भी करती हैं। हाल ही में शर्लिन जी मीटू का टाइम रहा जी, आपने भी बताया कि लोग डिनर के बहाने, ब्रेकफास्ट के बहाने लोग घर बुलाते थे, कुछ ऐसा आपके साथ में भी हादसा हुआ है रामगोपाल में, आप अगर आप कुछ बताना चाहें, हम चाहते हैं कि आप शेयर करें कि क्या कुछ हुआ था। शुरुआत में जब लोगों के पास मैं अपना पोर्टफोलियो लेकर जाया करती थी फिल्म मेकर्स के ऑफिसर्स पर, तब वो डिनर का प्रस्ताव रखते थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि एक प्रोफेशनल मीटिंग का डिनर के साथ क्या ताल्लुक़ है। एंड वो घुमा फिरा कर ये कहते कि आपके फ़ोटोज़ तो हॉट हैं लेकिन आप में नमक नहीं है, या आप में एक्स फैक्टर नहीं है। और मैं कहती कि अच्छा, नमक तो मैं रोज़ खाती हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो नहीं नहीं, हम एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं, और ये एक्स फैक्टर हम आपको दे सकते हैं या दिला सकते हैं। अच्छा, कैसे? और वो कहते कि आप डिनर करें हमारे साथ, हम सब कुछ बताएंगे आपको, ट्रेन करेंगे आपको। और जब ऐसा 4-5 दफ़ा हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर सर्जी सर्जी करके बात करो तो ये लोग इस तरह बात करते हैं, डिनर का प्रस्ताव रखते हैं। अगर सीधी बात करो, एकदम कट टू कट, कि सर ये मेरी तस्वीरें हैं, ये मेरा वर्क प्रोफाइल है, अगर आपको मेरे लायक कोई रोल है अगर आपके फिल्म में, तो आप मुझे बताएं, मैं बखूबी निभाऊंगी उस किरदार को। ऐसे प्रोफेशनल अप्रोच से हम बात करें तो वो बात बनती नहीं है, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। तो फिर करें तो क्या करें, डिनर कर लें उनके साथ, क्या गारंटी है कि डिनर करने के बाद हमारा काम हो जाएगा, हमें सफलता मिलेगी या हमें मंजिल मिल जाएगी, क्या गारंटी है? तो क्या करें हम, ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें ये सोचकर कि कोई आएगा जो हमारे बिल्स भरेगा, कोई आएगा जो हमारी लाइफ लिफ्ट करवा देगा, कोई आएगा जो हमारी किस्मत बदल देगा? नहीं, कोई नहीं आने वाला। जो कुछ करना है हम ही करना है, हमें खुद करना है। एंड जब मुझे ये बात समझ में आई, तब मैंने फैसला लिया कि मैं बनूंगी कंटेंट क्रिएटर, मैं बनूंगी प्रोड्यूसर, मैं अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में लेकर जाना है डिसाइड करूंगी, मैं बनूंगी अपनी रियलिटी का मास्टर। एंड तब से मैंने प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया,
2017 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था माया, एंड 2018 में मैंने टुनू टुनू रिलीज़ किया म्यूज़िक वीडियो, बहुत ही पसंद आया जी। और 2019 में मैंने रिलीज़ किया वोट डाल और अब कतार, एंड अब ये फैसला लिया है कि हर महीने मुझे कम से कम एक रैप वीडियो रिलीज़ करना है। साथ में वेब सीरीज़ पर काम चल रहा है एंड आने वाले महीनों में एक ज़बरदस्त फीचर फिल्म पर भी मैं काम स्टार्ट करने वाली हूँ। जी जी जी। तो अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी भी फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर से किसी भी तरह का फेवर नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ। अब मैं दिखाना चाहूँगी कि मैं अपने बल पर क्या कर सकती हूँ। ईश्वर ने हम सबको खूबसूरती दी है, इंटेलिजेंस दिया है, कॉमन सेंस दिया है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक इंडिपेंडेंट एक्टर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बन चुकी हैं। यू नो बहुत ही अच्छा रैप भी करती हैं शर्लिन जी। तो शर्लिन जी, जाते आते जो आप उन सारे हेटर्स को जो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते उनके, आपने जो बहुत ही अच्छा रैप बनाया है जो लोगों को पसंद भी आ रहा है, चाहेंगे फ्यू लाइन? श्योर। थम जाता है वक्त वही, जहाँ होती हूँ मैं खड़ी, बन जाती है बात वही, लिखूँ जो लगे है मुझको सही। हूँ ना मैं कोई स्टार की बेटी, रभी मेरा शुगर डैडी, खुद ही कमाऊँ रोजी रोटी, समझना मुझको अबला नारी। हूँ मैं अपनी बेस्ट सहेली, नहीं तू मेरा सच्चा प्रेमी, तू तो है केवल हवस पुजारी। वैसे तू करता है क्या बे, ट्रोल ही कर सकता है ना। भरता ना बिल तू मेरा, मक्का न मिले सुनहरा, जीरो है नाम सारे जग में, होश में आ हो गया सवेरा, मुखौटा हटा नजरें मिला, स्टॉप दिस बिल्ली, चूहे बिल्ली का सिलसिला, ना बन येड़ा टेक अ चिल पिल, अरे यार सामने से मिल, करे सवाल कितना है लेती, फुल नाइट का क्या क्या है देती। अबे झंडू, मंच नहीं है क्विज कॉन्टेस्ट का, पूछने से पहले औकात बना, औकात बना, औकात बना। बिन सिटी कुकर गर्मी वाले हीटर पास तो आ बेटे, जरा तो इधर कान के नीचे जोर से घुमा के पड़ेगा जमकर, देखूं तेरा ड्रामा सिटी बजा कर क्या बोल रहा है घन चक्कर। अब बे चूजे अगले जन्म तक इंतजार कर, आप कतार में हैं, कतार में हैं, कृपया अगले जन्म तक प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं, कतार में हैं, कृपया अगले जन्म तक प्रतीक्षा करें। अगर आप वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, हेटर हैं, ट्रोलर्स हैं, तो आप अगले जन्म तक प्रतीक्षा करें। अच्छा करें।